जी और अविनाश का हुआ झगड़ा, पूजा की हुई जिया से बहस। पर बिग बॉस के घर में हमने देखा कि पूजा कहती हैं कि टास्क के दौरान उन्हें जिया की टोन काफी ज्यादा झूठी लगी है। फलकनाथ जिया के बोर साउंड होने की बात भी कहती हुई नजर आती है और उनकी बुराई कर रही होती है। वही अभिषेक कहते हैं कि फलकनाथ अभी भी पूजा को नंबर वन मानती है, इसका मतलब है वो खुलकर अभी भी नहीं खेल रही। वही पूजा कहती है कि अभिषेक ने जिया और जैद के लिए बात भी कही थी, लेकिन तब भी वो अभिषेक के साथ बैठ रही है और उनके साथ बात कर रही है, तो उनका ये पहले ऐसे रिएक्शन क्यों आया था। भाई साइरस जिया के चालाक होने की बात कह रहे होते, भाई फलकनाथ जिया के माइंड को ना समझ पाने की बात कह रही होती है। वही फलकनाथ जिया से पूछती है कि वो उन्हें लेकर कंफ्यूज इतनी ज्यादा क्यों है, जिसके बाद जिया भड़क जाती है क्योंकि फलकनाथ सुबह से बार बार उनसे यही बात पूछ रही होती है। फलकनाथ जिया से कहती है कि अभिषेक ने इतना कुछ उनके बारे में बोला, उसके बाद भी वो उनके साथ क्यों बैठ रही है, जिसके बाद जिया कहती है कि ये उनका स्टेट ऑफ माइंड है, अभिषेक ने उनसे सब क्लैरिफाई किया है और आकर माफी भी मांगी है, इसलिए वो अभिषेक के साथ बैठ रही है। जिया अभिषेक को फलकनाथ की कई सारे बातें भी बताती है। वही अभिषेक जिया को समझाते हैं कि पूजा की ड्यूटी अब बढ़ चुकी है वॉशरूम खुलने के बाद, तो उन्हें जाकर उनसे बात करनी चाहिए और उनकी ड्यूटी को डिवाइड भी करना चाहिए, जिसके बाद जिया जाकर पूजा से माफी भी मांगती है और उससे बातचीत करती हुई नजर आती है, जिसके बाद पूजा जिया को डांट भी लगाती है क्योंकि वही पूजा जिया से कहती है कि उन्होंने उनके बारे में ये क्यों कहा कि पूजा ने रिवेंज लिया है। ये बात सुनने के बाद जिया काफी ज्यादा शॉक होती है और पूछती है आपको ये बात किसने बताई। पूजा बताती है कि अविनाश और फलकनाथ ने आके मुझे ये बात बताई है। पूजा कहती है कि ऐसे वर्ड्स उन्हें यूज नहीं करना चाहिए कभी भी उनके लिए। वही जिया इस बात से काफी ज्यादा भड़क जाती है और दुखी भी होती है। जिया पूजा से अपनी सारी बात को सॉर्ट आउट कराती है, जिसके बाद जिया अविनाश से जाकर सवाल भी करती है कि उन्होंने ये बातें जाकर पूजा को क्यों बताई, जबकि उन्होंने किस टोन में ये बात कही थी ये अविनाश को पता है। अविनाश जिया से कहते हैं कि साइरस की बातों पर उन्होंने इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं किया। वही जिया बिना बात के बतंगड़ ना बनाने की बात भी उनसे कह रही होती है। अविनाश जिया के रिएक्शन को ना समझ पाने की बात कहते हैं। इस बात को लेकर दोनों की काफी लंबी बहस भी हो जाती है। अविनाश जिया के अंदर ट्रस्ट इश्यूज होने की बात कह रहे होते। भाई अविनाश ने जिया के लिए जो कुछ भी किया होता है वो उसे गिनाते हुए भी नजर आते हैं। जिया अविनाश की बात से गुस्सा हो जाती है। जिया कहती है कि उनकी बातों को फलकनाथ और अविनाश नहीं समझ पाते हैं। जिया अविनाश को रिपे करने का मौका भी ना मिल पाने की बात कह रही होती है। वही जिया कहती है कि वो मेरा पासिंग थॉट है, जो भी मैंने तुम्हें बताया एक बात को कितना टिक करोगे। जिया अविनाश से बहस भी कर लेती है इस बात को लेकर। वही अविनाश जिया के ऊपर पासिंग रिएक्शन देने की बात भी कहते हैं और उन पर भड़क जाते हैं। जिया के ऊपर सारे घर वाले भी चढ़ जाते हैं क्योंकि घर में रात का खाना बना हुआ नहीं होता है। जिया और फलकनाश की ये सारी गलती होने की बात अभिषेक कहते हुए नजर आते हैं। वेल, आपका जिया और अविनाश की लड़ाई पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।